आज बड़े ही खुशी की बात है, मेरे साथ मेरे बहुत सीनियर स्टूडेंट है पप्पू जी। पप्पू जी अभी बिहार शिक्षक भर्ती योजना में बीपीएससी वाला जो हुआ उसमें सिलेक्शन हुआ है और इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया कॉमर्स। ठीक, इनको मैंने 5 साल पढ़ाया है, 5 साल का ये अनुभव इनका साथ था और साथ में अभी ये क्वालिफाई किए हैं ऑलरेडी, तो इनका जो अनुभव है वो रियल अनुभव है। तो ये आपके साथ शेयर इसलिए किया जा रहा है जिससे आप लोग भी, कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत स्कोप है, तैयारी ढंग से करना है। तो आज पप्पू जी से यही पूछेंगे कि भैया कैसे किया, ये सबसे पहले बोलिए आप कब से मेरे पास पढ़ना शुरू किए? सर 12 से 2012। ठीक, और कब आपका ग्रेजुएशन? 2012 नहीं, 12 2012। और 12 इसका मतलब है ये 2008 में आए होंगे, 10 में 2010 से 2012 इनका प्लस टू था कॉमर्स। ठीक, पहली बार कॉमर्स सीखे जर्नल एंट्री से, और उसके बाद 2012 से 2015 ग्रेजुएशन था, ऑनर्स था अकाउंटेंसी ऑनर्स, और अभी भी अकाउंटेंसी ऑनर्स के लिए ही सिलेक्शन हुआ, टीचर में भी अकाउंटेंसी ऑनर्स प्लस टू लेवल, प्लस टू लेवल जी सर। ठीक, और ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे पहले मुबारक हो, हम अभी भी बोलेंगे पूरे ईमानदारी से काम कीजिए, है पढ़ाइए अच्छे से, कॉमर्स का प्रचार होगा है। तो इनके इनको सबसे पहले हम लोग पूछे भाई किस सब्जेक्ट के लिए आप आए सिलेक्ट हुए हैं? अकाउंट के लिए। अकाउंट के लिए, ठीक, इसका मतलब अकाउंट का ये एग्जामिनेशन दिए होंगे रे भाई। ठीक है, अकाउंट सब्जेक्ट के लिए ये सिलेक्शन हुआ है। ठीक, ये जो अकाउंट का क्वेश्चन आ रहा है है, जो बीपीएससी बोल रहे हैं बहुत टफ है ऐसे वैसे है, कहाँ से आ रहा है? सर सभी जो भी क्वेश्चन था 11-12 के बुक से ही था। 11-12, थोड़ा साउंड इनको बोलेगा बढ़ाने के लिए है, नहीं तो बच्चा सब कैसे कंट्रोल होगा है। तो क्या है आपका 11-12 बता रहे, 11-12 कोई किताब आप बोल पाएंगे खास करके? एनसीईआरटी जी सर, एनसीईआरटी। आप अगर अभी भी एनसीईआरटी आप पढ़े नहीं है तो आप हम लोग के साथ में जुड़े, एनसीईआरटी के सभी वीडियोस इस चैनल पे उपलब्ध है, एनसीईआरटी के आपके लिए कोचिंग की भी व्यवस्था उपलब्ध है जी सर। और आइए इनसे जानते हैं तैयारी कितने घंटे तक आपने किया? सर ऑलमोस्ट लगभग 8-10 घंटा रोज। 8-10 घंटा रोज, कब से कितने दिनों तक? सर अभी जो फॉर्म फिलअप किए थे तब से, फॉर्म फिलअप किए थे तब से एग्जामिनेशन तक जी। तो ये लगभग कितने दिन आपको समय मिला? 2 महीने 2 महीने 8-10 घंटा। ये भी बताइए कोचिंग चलाया करते थे, इसका ये बेनिफिट इनको ये मिला कि ये एकदम ताजा थे है ना, या आपको एकदम हर चीजें याद थी है? अच्छा एक चीज और हम जानना चाहेंगे, बुक तो हो गया एनसीईआरटी, आप बोलेंगे इनको एनसीईआरटी रेडी कीजिए है, एनसीईआरटी आप अगर अभी भी नहीं किए तो एनसीईआरटी सबसे पहली किताब जी सर। अच्छा ये प्रैक्टिस कितना जरूरी है टीचरशिप के लिए, बीपीएससी के माध्यम से अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कितना जरूरी है? 3-4 प्रैक्टिस रोज करना चाहिए, प्रैक्टिस सेट रोज, प्रैक्टिस सेट। हाँ। ये प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा हम लोग के माध्यम से जी सर है, ये प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा है, इतना जरूर हम विश्वास दिलाए, सीनियर है कैसे नहीं मदद करेंगे। प्रैक्टिस सेट कितना बनाना चाहिए? 3-4 रोज 3-4 रोज ऐसे प्रैक्टिस सेट कितने होंगे? बहुत सारा होगा सर, बहुत सारा होगा, कोई बात नहीं है, आप अगर फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं तो 3-4 क्या 10-10 प्रैक्टिस सेट करेंगे रोज जी सर, क्या विचार है जी सर? हाँ, और ये 3 से बीपीएससी करंट अफेयर्स में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं?
10 से 12 मार्क्स। व्यूअर्स को देख के बताइए, जैसे 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 से 12 मार्क्स। करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या तैयारी किया था, कैसे? करंट अफेयर जो है यूट्यूब पर पढ़े थे। यूट्यूब पे पढ़े थे, अच्छा। और जो है पीडी वगैरह जो है लिए थे। अच्छा, पीडी लिए थे, तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं। अकाउंट्स की तैयारी के लिए आप क्या किए? सर आपके द्वारा जो दिया गया ऑब्जेक्टिव है ना, वो सब जो है हमने अच्छा से उसको पढ़ा, और पहले से ही पढ़ा था, तो जो है आपके द्वारा दिया गया रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। रिवीजन के लिए आपको गौर करके देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जी सर। नेगेटिव मार्क्स होता है क्या? नहीं, अभी तक नहीं है। नेगेटिव मार्क्स नहीं है, अभी तक नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ये बहुत बेनिफिशियल बात है। ठीक, आप कितने सही करके अपने हिसाब से आए थे? सर हमने जब एग्जाम दिया था वहां से निकला तो लमसम जो मेरा सब्जेक्ट था अकाउंट, उसमें 80 नंबर पूछा गया था, जिसमें 70 और 75 के बीच में था, लेकिन उसमें जो आया 62 मार्क्स। 62 आया, इतना करने के बाद आप क्या मैसेज देंगे जो लोग अभी बीपीएससी टीचरशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, जरा व्यूअर्स को देख के बताइए। उनको लगातार प्रैक्टिस करना होगा, है ना, एनसीईआरटी बुक वगैरह जो है टेस्ट बुक पढ़ना होगा, बहुत डीपली पढ़ना होगा सर, बहुत डीपली पढ़ना होगा, और अपने से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना होगा, चुनना होगा कि उसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो पूरे क्वेश्चन को जो है वो अंडरलाइन करके पढ़े, अंडरलाइन करके क्वेश्चन पढ़ना होगा। एक चीज यहाँ देखे, प्रैक्टिकल नहीं पूछता है। प्रैक्टिकल भी था इस बार, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी था, प्रैक्टिकल भी था, तो प्रैक्टिकल में अनुभव होना जरूरी है। अच्छा, मेनली किस मतलब चैप्टर का बेस रहता है? अधिकांश जो 11th का जो जितना भी था, हाँ, चैप्टर, हाँ, सब बेस्ट माना गया 11th का बेस्ट। इस वजह से 11th की तैयारी बिता बहुत जरूरी, और ये बीपीएससी टीचरशिप के लिए कम से कम इनको क्या सजेस्ट करते हैं, कितना घंटा इनकी तैयारी होनी चाहिए? अभी तो बहुत कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हमारे समय में था कि जो बिहार के बच्चे थे सिर्फ वही एग्जाम दिए थे, लेकिन अभी क्या है पूरे इंडिया दे रहे हैं, तो ऐसे में जो है 10 घंटा से एवं तैयारी को जो है करना चाहिए। आप बीपीएससी टीचरशिप के लिए अगर तैयार हो रहे हैं तो आप हम लोगों को कॉन्टेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको हर मदद मिलेगी, आप सक्सेसफुल हो, यही हम लोग की भी इच्छा है। यस सर, क्योंकि कॉमर्स का प्रचार बढ़ेगा, खास करके अगर बिहार के होंगे तो दिल में तो दर्द है भाई, बिहार का स्वाभाविक है। चलिए पप्पू बाबू, बहुत अच्छी आज भेंट रही, पप्पू बाबू का सहयोग हमेशा हम लोग को मिलेगा, गाइडलाइन ये करेंगे। ठीक है, हम इस उम्मीद के साथ कि जो भी क्वेरीज होंगे आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके आप कमेंट पूछिए, हम लोग जवाब देंगे, पप्पू बाबू जवाब देंगे, हम भी जवाब देंगे। थैंक यू।